आदरणीय अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, रंधावा जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, श्री सीपी जोशी जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, प्रसादी लाल मीना जी, मुरारी लाल मीना जी, धीरज गुजर जी, जुबैर खान जी, रामजी लाल ओझ जी, अमृता धवन जी, वीरेंद्र राठौर जी, सभी उपस्थित नेतागण, पार्टी के कार्यकर्तागण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, पपलाज माता, देवनारायण भगवान जी और मीन भगवान के आशीर्वाद से आपके बीच आई हूं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यहाँ पास में है, तो यहाँ आते आते मैंने अशोक गहलोत जी से निवेदन किया कि अगर समय है तो हम लोग वहाँ जाएं। तो मैं बहुत खुशी से कहना चाहती हूँ कि पहली बार बहुत इच्छा रही थी मेरी बहुत सालों से कि मैं यहाँ आऊँ, और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। इस मीटिंग के बाद मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। दौसा ने देश को पंडित नवल किशोर शर्मा जी और राजेश पायलट जी जैसे नेता दिए। आज इस धरती पर खड़े होकर उनको नमन करती हूँ। ठहरूं कि बोलूं? बोलती रहूं? रुक जा। बहनों, आजकल आपके खेतों में बहुत काम है। मैं जानती हूँ कि आप दिन रात संघर्ष कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, फिर भी आप यहाँ आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव चल रहा है। मैं तेलंगाना जा रही हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, हर जगह चुनाव है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो उस प्रदेश की जो खासियत है, उस प्रदेश का जो हुनर है, जिसके लिए उस प्रदेश की मजबूती पूरे देश में जानी जाती है, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। ये वीरों का प्रदेश है। यहाँ के महापुरुषों ने हमारे देश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए और इस देश की आज़ादी में बहुत भूमिका निभाई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में गई तो रानी दुर्गावती जी हैं वहाँ। उन्होंने भी देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और हर प्रदेश में ऐसी कहानियाँ हैं। और सिर्फ महापुरुषों ने नहीं, इस देश के जन जन ने देश को मजबूत बनाने के लिए और देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। देश के किसान ने संघर्ष किया है, देश की महिलाओं ने संघर्ष किया है, तभी ये देश आकर यहाँ पहुंचा है जहाँ हम आज हैं। तो जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना बड़ा जरूरी है कि हम सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। ये देश, ये प्रदेश जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं, इसकी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, ये सोचना बहुत जरूरी होता है। आपका जीवन का सफर मुश्किल है। मेरी बहनें खेतों में काम करती हैं, घर गृहस्थी को संभालती हैं, बच्चों का के परवरिश को देखती हैं। मेरे भाई खेती करते हैं, जो किसान भाई हैं, आपके बच्चे बड़े होकर जवान बनते हैं, सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं। आप इस देश की रीढ़ हैं, इस देश को आपने बनाया है। तो इस जीवन के सफ़र में जो संघर्ष से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, इस सफ़र में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी जीवन की जो मुश्किलें हैं उसे कम करने का प्रयास करें। आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन संघर्ष में आपका साथ दे, जब आपदा आए तो आपको राहत मिले। तो खेती का काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको सुविधा मिले। जो मेरी बहनें बच्चों के परवरिश कर रही हैं, उनको मदद मिले, ताकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वो उज्जवल हो सकते हैं, उज्जवल हो सकता है। यही उम्मीद रखते हैं ना आप? ये उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की ज़रूरत होती है। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर देखता नहीं है। अतीत का आदर करता है, लेकिन बार बार अतीत की बात नहीं दोहराता। वो आगे देखता है कि हम आज जनता को किस तरह मजबूत कर सकते हैं ताकि आगे बढ़कर उनका भविष्य और भी मजबूत बने। तो इस सोच के लिए, समझ के लिए एक तरह का नेता होना चाहिए। जैसे आपने देखा, आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है, इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें, तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है, उसने आपके जीवन सफ़र को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाना, 27,000 करोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने अपने लिए, ये एक तरह के नेता करते हैं। भाजपा के आज नेता जो हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं हैं। अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे चुके हैं। तो आप सोचिए, आपने भरोसा करके दिया, सत्ता दी, आपने खड़ा किया, आपकी उम्मीद थी कि आपके जीवन सफर में वो आपकी मदद करेंगे। आपकी उम्मीद थी कि जो देश की संपत्ति है उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या हुआ? देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। जो 6,000 करोड़ की कंपनियां थीं, लाखों की कंपनियां थीं, उनको कम दाम में बेच दिया। जहां से आपको रोजगार मिल सकता था, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेचकर प्राइवेट कर दिया। जहां आरक्षण मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो आपने उम्मीद की लेकिन आपकी उम्मीद को तोड़ा गया। आज ये नौबत आ गई है कि प्रदेश की सरकार महंगाई के राहत कैंप लगा रही है, क्योंकि देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो नजरिया है इन नेताओं का, जो भाजपा का नजरिया है, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में, आपके जज्बातों से जुड़ी होती है। धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता। ये ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें, चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं, और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं। चुनाव के समय आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जो ओपीएस पेंशन के पैसे हैं, ये आपको क्यों नहीं दे सकते। जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में ओपीएस दे रही हैं, तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो दो तरह की राजनीति हैं जो आज देश में चल रही हैं, इनमें से आपको कौन सी चुननी है। आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सिर्फ आपके जज्बातों की बात करती है चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रही है। या आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सुबह से शाम तक आपकी काम की बात करे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने की बात करे। देखिए, अगर जनता का कल्याण होना है तो ऐसी राजनीति से होगा जो सेवा भाव, करुणा भाव और जनता को सर्वोपरि रखने की राजनीति हो। लालच, महत्वाकांक्षा, अहंकार की राजनीति आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत नकारात्मक बातें भी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सकारात्मक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाल आए। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं, लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ERCP का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आए तो कहा था ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा, दिया क्या दिया? आप आज तक ERCP के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। अब मैं आपसे एक दूसरी तरह की राजनीति की बात कर रही थी। जिसका नज़रिया आगे भविष्य के लिए सोचने का नज़रिया होता है। तो आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी जाल बिछाई थी पूरे देश में परियोजनाओं की, भाखरा नंगल डैम, रिहांद बांध, हीराकुंड, ब्यास, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा पर देश के 60 से अधिक बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर जो है, और सैकड़ों छोटी छोटी सिंचाई और जलापूर्ति की परियोजनाएं बनाई गईं। उनके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया, शास्त्री जी आए, ये काम आगे बढ़ाया। तो जब राजनीति की सोच होती है कि आप भविष्य के लिए काम किया जाएगा, देश के लिए किया जाएगा, तो ऐसे काम होते हैं। खोखली घोषणाएं नहीं होती हैं जिनको पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं होता। तो सतर्क किसको रहना पड़ेगा बहनों, बताओ? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत करती हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो इसलिए तो नहीं करती ना कि जितनी भी देश की संपत्ति है जो आपके बच्चों और उनके भविष्य को मजबूत बनाने में जानी चाहिए, वो ये लोग गवा रहे हैं। अब आप बेरोजगारी को देखिए, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, और बेरोजगारी है फिर भी किस तरह की स्कीम ला रही है ये सरकार। आप पुलिस में हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपकी तरह तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं सुबह 4 बजे गिरफ्तार हो गई थी। उससे पहले जब पुलिस हमको ढूंढ रही थी, हम एक गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए हैं। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ? सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे कि जब सेना में भर्ती का समय आएगा तो हम भर्ती हो जाएंगे, हम अपने परिवारों के लिए कमाएंगे, हम अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। ये इसलिए तो नहीं मेहनत कर रहे कि 4 साल बाद वापस भेजा जाएगा इनको, लिए बलिदान देने के लिए तैयार, सरहद पे खड़े होकर होने के लिए तैयार, वहां की बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार। और आपने अग्निवीर जैसे स्कीम निकाल ली जिसके जरिए 4 साल बाद ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो इतनी इच्छा से देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य आप खत्म कर लिया। इस तरह की स्कीम लाएगी क्या सरकार? जहां जहां आज मैं जाती हूँ, नौजवान मिलते हैं, कहते हैं हमें जाना ही नहीं है, अब हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। इस बार, इस साल शायद सबसे कम एप्लीकेशन गए होंगे, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता इतना कि 4 सालों में आपको घर जाके वापस गांव आना पड़ेगा। जब हम नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे, और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। तो इसी तरह से पेंशन की बात है, जब सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं लोग, तो एक बड़ी चीज होती है कि पेंशन मिलेगा, कि नौकरी 20 साल की नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो कोई तो होगा हमें पूछने वाला, सरकार से हमें कुछ मिलता रहेगा। वो भी खत्म हो गया। तो आप बताइए, भयानक बेरोजगारी है, जहां जहां से रोजगार बन सकता था उसको तो आपने गवा दिया। बड़े बड़े PSU थे, BHEL जैसे, सब अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जो किसान थे, हैं, खेती करते, एक जमाने में खेती से रोजगार बनते थे, गांव में रोजगार बनते थे मनरेगा के द्वारा। मनरेगा को भी इन लोगों ने कम कर दिया। ऊपर से नए रोजगार नहीं बन रहे हैं, जो छोटी दुकानें थी, जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, वो भी नौकरी देने के काम करते थे, उनको भी आपने खत्म करने के कगार पे डाल कर दिया है। आपने GST थोपी, इन पे नोटबंदी थोपी, छोटे दुकानदार GST में उलझ गए एकदम। तो जहाँ से रोजगार बनने थे वो सारी जो जितनी भी जगह थी जहाँ से रोजगार बन सकते थे उनको आपने ख़त्म कर दिया। महंगाई आपने ऐसे बढ़ा दी कि मेरी बहनें दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, खाली हाथ वापस आती होंगी क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, कुछ खरीद नहीं पाती हैं, इतना संघर्ष कर रही हैं। बच्चों की फीस भरनी होती है, छत में से पानी टपक रहा है उसकी मरम्मत करनी है, या फिर कोई बीमार पड़ता है उसका इलाज करना है। तो टेंशन ही टेंशन होता है कि किस तरह से हम ये कर पाएंगे क्योंकि कहीं से कमाई नहीं हो रही है। तो अगर ये परिस्थितियां हैं पूरे देश में और हम प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों से आपको निकाल पाएं, कि हम आपकी मदद कर पाएं। और अशोक गहलोत जी की सरकार है जिसमें तमाम ऐसी स्कीमें आई हैं जिससे आपकी सहायता होती है और आपको इन संघर्षों का सामना करने की मजबूती मिलती है। जैसे यहाँ पे जो बिजली आपको मिलती है वो दूसरे प्रदेशों में ऐसे नहीं है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री के बड़े उद्योगपति मित्र हैं, अभी हाल ही में ये बात बाहर आई कि इंडोनेशिया से कोयला खरीद के यहाँ लाते हैं और लाते लाते उसका दाम दुगना बढ़ा देते हैं। तो जो बिजली की बिल आपकी चढ़ती चली जा रही है वो सारे इन उद्योगपतियों के जेब में जा रहे हैं पैसे। और सरकार को रोकना चाहिए, सरकार को रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन सरकार और इनको मजबूत करने का काम कर रही है और आपके जेब से पैसों को निकाल कर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, अब राजस्थान की हमारी प्रदेश की सरकार है। आप जानते हैं कि महंगाई के राहत कैंप राजस्थान सरकार ने आपके लिए लगाए। किससे बचाने के लिए? उस महंगाई से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार की वजह से जिससे आप जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में, आपके प्रदेश में जो स्वास्थ्य की योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा आपको 25 लाख का जो मुफ्त का इलाज मिल रहा है, ये किसी और प्रदेश में आज तक नहीं है। पहला प्रदेश है, शायद अभी अभी छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले शुरू किया गया है, वो भी कांग्रेस की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई बनाई गई हैं, ये भी राजस्थान सरकार का काम है। इसमें आपको 8 रुपए पे भरपेट भोजन मिल रहा है। गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है इसके तहत आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जब भारत सरकार ने इसको 1100 से 1200 रुपए का किया था। मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आया है। और ये तब, जब मैंने आपको समझाया कि किस तरह से केंद्र की सरकार उन उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है जो आपके जेब से बिजली का पैसा छीन रहे हैं। राजस्थान में आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। ग्रामीण रोजगार की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी दी जा रही है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। इनको कोई नहीं पूछता बहनों और भाइयों, जो गांव में रोजगार नहीं मिलता शहर चले जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए और शहर में गिग का काम करते हैं। कहीं पे डिलीवरी हो गई, कहीं पे जाके कुछ देना है, ये सारे काम करते हैं। उनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कि इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान की सरकार ने खास इनके लिए भी कानूनी सुरक्षा दी है ताकि कोई कम पैसे ना दे पाए, कम वेतन ना दे पाए। 309 नए कॉलेज बने हैं। मैं कल परसों तेलंगाना में थी, एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी वहाँ 5 सालों में। यहाँ 309 नए कॉलेज, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। जहाँ दूसरी सरकारें हैं, आपको मालूम है उस प्रदेश में क्या हो रहा है, एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खूब खोली हैं ताकि जनता को फीस की मार पड़े। और उनको मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़े। हर जिले में यहाँ पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोले गए हैं। सरकारी नौकरियों में ठेका की प्रथा खत्म हो गई है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ कर्ज माफ किए और अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले मिलते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है इस तरह का काम करके दिखाते हैं, तब उन पर मजबूरी होती है कि वो भी अपने प्रदेशों में करें और वो भी ऐसी घोषणाएं करें, और वो ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी सारी सरकारें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती हैं, उनमें गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच ही नहीं है। उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। राजस्थान में कितनी योजनाएं दी इन्होंने जब इनकी सरकार थी। ERCP का जो वादा किया वो क्यों पूरा नहीं किया है अभी तक? बहनों और भाइयों, मसला साफ है। मोदी जी का ध्यान, भाजपा का ध्यान आपकी भलाई पे नहीं है। किस तरह से सत्ता में रहना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, यही है उनका एकमात्र लक्ष्य और इसी पर उनका ध्यान है। इनकी नीति बन गई है, आप पिछले 10 सालों में देखिए, नीति बन गई है गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना। सोच लीजिए मेरी बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार यहां वापस आएगी तो पुरानी पेंशन खत्म। भाजपा की सरकार वापस आएगी तो सोचिए गैस सिलेंडर का क्या होगा, सोचिए कि आपको जितनी भी राहत मिल रही है उसका क्या होगा, सोचिए क्या आपका मुफ्त में 25 लाख का इलाज हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपने अनुभव किया है। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे कहने पर वोट कीजिए, अपने अनुभव पर कीजिए। आप खुद देखिए कि इस सरकार ने आपके लिए क्या किया। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, अनुमति ने कुंबा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुंबा तोड़ा। आज पूरी पार्टी बिखरी हुई है, एकजुट होने का नामो निशान नहीं है। यहाँ पूरी पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है। राजस्थान का रिवाज बदल डालो, राजस्थान का रिवाज बदल डालो, इस बार दोबारा कांग्रेस को लाओ। इस बार आंखें खोलकर अपना वोट दो कि आपके लिए कितना काम किया है, आपके लिए कितना संघर्ष किया है, आपके लिए कितनी योजनाएं लाए हैं, और आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए जो सरकार दिन रात काम करेगी उस सरकार को अपना वोट दो। एक तरफ गहलोत जी का अनुभव है, आपके लिए दिन रात एक करने की इच्छा, आपके लिए ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास जिससे आपका जीवन सफर सुनहरा हो। दूसरी तरफ सचिन पायलट जी जैसे युवा नेता जो आपके भविष्य की तरफ देखते हुए आपके लिए हर रोज मेहनत करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए समर्पित है। ये चाहती है कि राजस्थान मजबूत बने, हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो, हम चाहते हैं कि राजस्थान में फिर से 5 सालों के लिए एक ऐसी सरकार बने जो आपकी सरकार हो। इस प्रयास में, इस कोशिश में आप हमारा समर्थन देंगे, आप हमारी सहायता करेंगे तो आप ही का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए आज यहाँ खड़े होकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, और मैं आशा रखती हूँ कि वोट देने के दिन भी आप इन बातों को याद रखेंगे और हमारे हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।